कल्याण। यूं तो ये वो पुस्तक है जो सबसे ज्यादा छपती है गीता प्रेस गोरखपुर में, लेकिन ये छपती कैसे है? ये तो आपको फिनिश प्रोडक्ट और उसका आउटपुट दिखता है, लेकिन अब कैसे इसकी पूरी प्रक्रिया होती है वो आपको बताते हैं। मैं एक ऐसी ही मशीन में हूँ जिसे हाल ही में लाया गया है। पुरानी प्रेस में बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, लेकिन अब तकनीक के साथ गीता प्रेस भी आगे बढ़ रहा है। राजेश शर्मा जी, हमें ये बताइए कि नई पुस्तकें जो आ रही हैं उसमें किस तरह से नई मशीनों का इस्तेमाल? बिल्कुल, ये हमारी जापान की मशीन है, ये कोमोरी है और 4 यूनिट की छपाई ये बहुत तेज़ी से करती है। 4 कलर की प्रिंटिंग, पहले जिस प्रिंटिंग को छापने में हमें 8-8 घंटे लग जाते थे वो 1 घंटे में 1.5 घंटे में हम छाप लेते हैं। 10,000-11,000 कवर एक साथ छाप लेते हैं। पहले कितना समय लगता था, अभी क्या अंतर है और ये अंतर क्यों किया है गोरखपुर ने? अंतर इसलिए किया है कि हमारा गीता प्रेस अपनी क्वालिटी, किताबों की क्वालिटी अच्छी बने, अच्छी से अच्छी पुस्तक लोग ग्राहकों के पास जाए हमारी छप करके, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। ये प्रोसेस तो हमें एक्सप्लेन करें। ये हमारा सादा पेपर वहाँ से फिटिंग हो रही है, ये 4 कलर की कॉम्बिनेशन है, ये प्रत्येक यूनिट से पेपर गुजर रहा है और सारे कलर इसमें मैचिंग होके छप रहे हैं। वहाँ आगे जो है डिलीवरी दे देते हैं, आप देखें चलते हुए मशीन को और वहाँ छपाई आपको दिखाई देगी। छपाई तो होती है, लेकिन उसके साथ क्या क्या ध्यान में रखा जाता है? क्वालिटी, कंटेंट और जो शब्दों का इस्तेमाल है वो एक ही रहते हैं कि बदले भी? हमारा हिंदी शब्द है और हम लोग प्रायः आपस में अभिवादन में राम राम करते हैं और छपाई में भी सब पूरा ध्यान रखते हैं, कोई भी रद्दी पेपर, वेस्टेज पेपर, अच्छे पेपर में न जाने पाए। ये खासियत है, इसको बन कर तैयार होने के बाद फिर अगली प्रक्रिया क्या होती है? ये छपने के बाद बाइंडिंग का प्रोसेस है, किताब बनने के बाद उसके ऊपर से हम जैकेट लगाते हैं, वो छाप रहे हैं। और इसमें खासियत क्या होती है और कितनी चुनौतियाँ होती हैं? ये चुनौतियाँ बहुत है, इतनी हाई स्पीड की मशीन है, अगर आप इसमें जरा भी गलती करेंगे तो सारा गलती जल्दी जल्दी छप जाएगा। पूरी सावधानी के साथ चेक करके अच्छी से अच्छी छपाई निकालने का उद्देश्य रहता है। यहाँ पर सारे कर्मचारी आपस में क्या बात करते हैं, हाय हेलो तो नहीं बोलते? हाय हेलो नहीं करते हैं, सब आपस में राम राम, हमारे यहाँ राम राम की परंपरा है। गीता प्रेस की अहमियत आपके लिए क्या है? हमारे लिए गीता प्रेस एक मंदिर है और ये भगवान का साक्षात मंदिर है। भगवान का विग्रह स्वरूप तो यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, पर काम के दौर में ये भगवान का एक स्वरूप दिख रहा है। यहाँ काम के तौर पर स्वरूप है और उसके साथ साथ इस काम में ही भगवान के स्वरूप को जनता तक पहुंचाना भी इसी कार्य का एक रूप है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहिवाल, गीता प्रेस गोरखपुर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।